ओके सो लेट्स टॉक अबाउट अ फ्रॉड जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में चल रहा है जो मेरे साथ भी हुआ है सो so, चलो शुरू से बताता हूँ सो आई मीन टू इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस सबको पता है आई हैव अ वेबसाइट एके एस डॉट कॉम जहां से मैं सेल करता हूँ चीज़ें सो एज आई एम इन दिस बिजनेस मुझे रेगुलरली कॉल्स और मेल्स तो आते रहते हैं रिगार्डिंग न्यू न्यू वेंडर्स जो होल सेलर्सर्स है वो बोलते हैं कि हम आपको सही रेट्स में देंगे वगैरह वगैरह सो आई टूडे ऑल्सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ वेंडर ऑन इन दिल्ली हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स उसने भी नॉर्मल बातें करी आई वज लाइक ठीक है चलो आपके साथ भी एक बार डील करके ट्राई करते हैं तो आई आस्क फॉर वन कंपोनेंट जिसका मैंने परफॉर्मा इन्वास मंगवाया परफॉर्मा इन्वास इस काइंड ऑफ इन्वास जो हम ऑर्डर देने से पहले मंगवाते हैं बिकॉज उसमें सारी डिटेल्स होती है मतलब मेरी जी एस डिटेल्स शिपिंग डिटेल्स बिलिंग डिटेल्स सामने वाले वेंडर की बिलिंग डिटेल्स जी नंबर सब कुछ उसका बैंक अकाउंट नंबर सारी चीज़ें मैंशन होती है विद ऑल द ऑल द डिटेल्स तो मैंने मंगवाया उसके बाद मैंने कंपनी की डिटेल्स भी चेक करी जी नंबर वॉज वैलिड जो एड्रेस वहाँ पर लिखा था वो भी सही था नाम था कंपनी पुरानी थी एवरीथिंग वॉज लुकिंग जेनविन ठीक है कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं इधर सो आई वॉज लाइक ठीक है और लेट्स प्लेस दी ऑर्डर एंड आई 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 प्लेस दी ऑर्डर एंड आई चोज द यू पी आई ऑप्शन क्योंकि उसने कहा कि सर आप गूगल पे पे नंबर डाल देना आपको पेमेंट उधर से कर देना हो जाएगा ठीक है उधर बैंक डिटेल्स लिखी थी बट फॉर कन्वीनियंस मैंने यू पी आई से पे किया अगर मैं बैंक डिटेल्स से भी करता देन ऑल्सो इट वॉज अ फ्रॉड वो मैं बता रहा आगे आपको तो मैंने पेमेंट कर दिया एंड एवरीथिंग सीम्स गुड उसके बाद उसका फोन आया बोले सर आप कौन सी कुरियर से भिजवाओ मैं इसको तो मैंने बोला टी से भिजवा दो ठीक है अभी एवरी थिंग ऑल्सो इज वेल एंड गुड काफ़ी टाइम मतलब इवनिंग का टाइम हो गया उसने शिप नहीं किया था सो आई वॉज लाइक अ लिटल वर्ड कि यार ये चीज़ हो क्या रही है सो so मैंने थोड़ा और डिटेल में चेक किया वो हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के बारे में तो वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं उसका एक नंबर मिल गया कंपनी का तो मैंने कंपनी पे फ़ोन लगाया मैंने कहा कि ऐसे बंदे ने मुझे फ़ोन किया है तो आपके वहाँ वो काम करता है ही डे नाइड तो तब मुझे बदल गया कि यार ये तो कहीं ना कहीं स्कैम हो गया है फिर मैंने उनको डिटेल्स बताई बोला आपके कंपनी के नाम से मुझे ऐसा 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 कॉल आया था और मैंने ऑर्डर भी प्लेस किया है तो ही एक्सेप्टेड बोला कि हाँ हुआ होगा आपके साथ और उसने कहा कि आप पहले बंदे नहीं हो ये, ये बहुत लोगों के मेरे पास कॉल आए हैं इस तरह के फ्रॉड बहुत सारे हुए हैं ठीक है तो मतलब ये क्या है यार मुझे समझाओ तो उन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें ना रासबेरी पाई की शॉर्टेज से शुरू हुआ था जब शॉर्टेज हुई थी तो ये सारे फ्रॉड कॉल्स मेजरली आपको रासबेरी पाई के हिसाब से आएंगे वो लोग कॉल करके बोलेंगे हमारे पास रासबेरी पाई स्टॉक में है आपको चाहिए हम हाँ अच्छी डील में दे, दे देंगे रेडी इन स्टॉक रेडी टू तो शिप सब कुछ है वगैरह वगैरह मुझे भी रासबेरी पाई का ही कहा था पहले लेकिन आई आई एम नॉट डीलिंग इन रासबेरी पाईज तो मैंने डिनाई कर दिया तो उसने मुझे दूसरा कंपोनेंट चिपका दिया ठीक है सो so, मैंने वो हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर से काफ़ी सारी बात करी कि ये क्या हो रहा है तो उन्होंने कहा ये 2022 से स्कैम चल रहा है मेरे साथ कुछ पच्चीस हज़ार रुपये का स्कैम हुआ था उन्होंने कहा था और बोले कि रेगुलरली मुझे भी ऐसे कॉल्स आ रहे हैं कि आपके नाम से हमने इतने का ऑर्डर किया और वो ऑर्डर अब तक डिस्पैच नहीं हुआ वगैरह वगैरह उन्होंने कहा कि मैंने कंप्लेन भी लॉन्च करी है लेकिन मुझे नहीं लगता है इसका कुछ होगा सो so, नाव जो हो गया वो हो गया मेरे साथ स्कैम हुआ वो हो गया उनके साथ भी हुआ हो गया लेकिन अब ये चेन रिएक्शन वाली चीज़ है kind of मतलब एक इट्स अ चेन काइंड ऑफ स्कैम मतलब कि हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ स्कैम हुआ था उसने उनकी डिटेल्स उसको दी थी और उनको डिलीवर नहीं की चीज़ें पच्चीस हज़ार रुपये उन्होंने रख लिए ठीक है थीके? अब नेक्स्ट टाइम अब हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के पास दूसरी कंपनी के एम्प्लॉय बन के गए थे फिर अब आगे लोगों के पास हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के एम्प्लॉय के जा रहे हैं एंड नाउ एज आई गेव ऑन माई डिटेल्स अब शायद वो कल को आपके पास टेकी एस के एम्प्लॉय बन के आएंगे वो बोलेंगे हम टेकी एस से बात कर रहे हैं आपको ये प्रोडक्ट्स है ये मैं अच्छे रेट्स में आपको दे सकता हूँ वो आपको वेबसाइट भी भेजेंगे वो आपको जीएसटी नंबर सब कुछ भेजेंगे बिकॉज जीएसटी नंबर इज एवरीवेयर ऑनलाइन जीएसटी नंबर डालने पे आपको कंपनी की सारी डिटेल्स मिल जाती है उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ हमारा लोगो भी ऑनलाइन अवेलेबल है सो अ पर्सन कैन इजीली क्रिएट अ इन्वॉइस और जो आप देख के इजिली ट्रस्ट कर लोगे गे या दिस इज फ्रॉम टेकी एस एस बिकॉज आप क्या करोगे आप जीएसटी नंबर चेक करोगे आप एड्रेस चेक करोगे आप ये सभी चेक करोगे ना राइट एवरीथिंग विल भी जेन विन ठीक है आप ट्रू कॉलर पर चेक करोगे उधर भी टेकी एस एस लिखा हुआ आ जाएगा क्योंकि ट्रू कॉलर पर नाम चेंज करना इज नो नॉट अपट बिग डील इवन ये नंबर भी ट्रू कॉलर पर हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ही दिखा रहा था सो इट्स नॉट अ बिग डील सो अब ये स्कैम बहुत पॉपुलर हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मुझे आज बात करने पर पता चला तो अब वॉट इज द सोल्यूशन पर्टिकुलरली टेकी एस एम एस के लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है मतलब आप लोग को कैसे ट्रस्ट है कि बंदा टेकी एस ऑन आर वेबसाइट बिफोर परचेसिंग एनी थिंग एंड नॉट जस्ट टेकी एस एम एस ये स्कैम अलग अलग कंपनीज के नाम से हो रहा है तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल अगर मेरे साथ हो चुका है सो मे पॉसिबल आपके साथ डेफिनेटली होगा बिकॉज यू नेवर नो बिकॉज स्कैमर्स यू नो दे आर कीप ऑन अपडेटिंग द थिंग्स आज उनको मेरी डिटेल्स मिल गई तो आज वो आपको मेरे नाम से भी स्कैम कर सकते हैं सो प्लीज़ दिस इज़ द रिक्वेस्ट टू चेक द डिटेल्स बिफोर परचेसिंग एनीथिंग पेइंग एनी थिंग एंड आई वॉट डू यू थिंक इज दिस आइडिया गुड अबाउट पोस्टिंग ऑल द ऑफिशियल डिटेल्स ऑन द वेबसाइट और यह आपके पास अगर कोई अच्छा आइडिया है दैन यू कैन ऑल्सो लेट मी नो वॉट शुड वी डो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ स्कैम्स मैं इसका नंबर भी मैं डाल दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में या कहीं पर भी या डिस्प्ले में तो ये नंबर है मैंने आपको इन्वायस भी बताया किस तरह के इन्वॉइसेस बनाते थे व्यापार ऐप से बनाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है कोई चार्ज नहीं है और एकदम जेनविन लगता है ठीक है सो so, ये था आज का वीडियो टू बी वेरी अवेयर केयरफुल फॉर दिस काइंड ऑफ फ्रॉड बिकॉज इट इज़ योर हार्ड एंड मनी तो एक ही सेकेंड में चला जाता है एंड इट्स द कंपनी लाइक हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लाइक टेक ही एस एम एस जिनका नाम भी खराब होता है इस चीज़ों में जबकि उनकी को गलती भी नहीं होती है सो दिस वॉज अ वीडियो फ्रॉम माई साइड आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट एंड आई होप यू विल शेयर इट एज वेल सबके साथ शेयर कर लो ताकि पता चले क्या स्कैम हो रहा है और कैसे इनसे बचा जाए एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट ऑल द कंपनीज टू पुट दिस काइंड ऑफ ऑफिशियल डिटेल्स ऑन दर वेबसाइट टू अवॉइड दिस थिंक थैंक यू सो मच